माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अर्ष है। मैं जीएसबीवी बुराड़ी 12th एच का छात्र हूं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चाओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं, जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद। ओमान से डानिया शबू और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, कृपया उनका मार्गदर्शन करें। शायद मुझे बताया गया कि ये परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे 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 कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ट्रायल हुआ हो लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर मां बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पर जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे वह लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना होता है, दूसरा कि जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए, चलिए भाई कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा। फिर मुझे
वरना मैं 15 तय करूं और साथ ही कर पाऊं तो सुबह उठता है यार देखो कल तो कर रही।